हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे DOE द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 10/9/2021, क्रमांक संख्या है 32, कक्षा है नर्सरी, और यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिए। यहाँ विद्यार्थी का नाम, शिक्षक और शिक्षिका का नाम। अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना आता तो घर में किसी बड़े की सहायता से लिख लीजिएगा। तो आज की वर्कशीट हम शुरू करें। वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है, ठीक? आप सभी को अच्छा लगता है ना कहानी सुनना? तो आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाएं। कहानी का नाम है चींटियां। तो निशा के घर के पास बहुत सारे पेड़ थे। वह वहां अपनी दादी के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसने देखा कि कुछ पेड़ों के नीचे चींटियों के घर बने हुए हैं। दादी ने निशा को बताया कि बचपन में वह चींटियों को सूखा आटा, चीनी इत्यादि खिलाती थी। निशा को यह सुनना अच्छा लगा। तो निशा अपने घर के पास एक पेड़ के पास अपने दादी के साथ खेल रही थी। तो वहां पर उसने क्या देखा कि चींटियों का घर बना है पेड़ के नीचे। दादी ने निशा से कहा कि जब वो छोटी थी, निशा के जितनी, तब वो चींटियों को आटा, चीनी इत्यादि खिलाती थी। ये सुनना कर निशा को बहुत अच्छा लगा था। अब दादी ने निशा को रसोई में से थोड़ा सूखा आटा लाने को कहा। निशा डिब्बे में से सूखा आटा ले आई। दादी ने उसे कहा, जाकर घर से सूखा आटा लेकर आओ। तो वो दौड़कर अपने घर में किचन में गई और सूखे आटे के डिब्बे में से सूखा आटा ले आई। दादी के कहने पर निशा ने पेड़ों के नीचे चींटियों के घर के पास थोड़ा सा आटा डाल दिया। अगली सुबह वह दादी के साथ फिर बगीचे में आटा लेकर आई। निशा दौड़कर चींटियों के घर के पास पहुंची और उसने थोड़ा सा आटा डाल दिया। चींटियां आटा खाने लगी। यह देखकर निशा और दादी बहुत खुश हुई। निशा ने दादी से कहा कि अब वह रोज चींटियों को खाना खिलाएगी। तो निशा पेड़ों के पास गई, चींटियों के घर के पास थोड़ा सा आटा डाला। फिर अगली सुबह उसने फिर वैसे ही किया, थोड़ा सा आटा लेकर आई और दौड़कर चींटियों के घर के पास गई और आटा डाल दिया। इस तरह से आटा डाल दिया तब सारी चींटियां देखिए किस तरह से आटा खाने वापस आ गई। तो यह देखकर निशा और दादी बहुत खुश हुए कि चींटियां आटा खा रही है। ये देखिए निशा और दादी बहुत खुश हुई और निशा इस तरह से रोज चींटियों को आटा खिलाने लगी। भाग संख्या 2। आशा करते हैं कि आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी। आइए इसके बारे में चर्चा करें। कहानी में निशा क्या कर रही थी? तो निशा क्या कर रही थी? खेल रही थी। निशा खेल रही थी। कहानी में पेड़ों के नीचे किसके घर बने हुए थे? किसके घर बने हुए थे? चींटियों के। किसके घर बने हुए थे? चींटियों के। ठीक,
दादी ने बचपन में किसे किन्हें खाना खिलाती थी? तो दादी बचपन में चींटियों को खाना खिलाती थी। किन्हें खिलाती थी? चींटियों को। और निशा ने चींटियों को क्या खाने को दिया? निशा ने चींटियों को क्या खाने दिया बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, आटा, सूखा आटा खिलाया। हम जानवरों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए? हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें उन्हें खाने के लिए देना चाहिए, और कोई अगर जानवर को परेशान करे तो उसकी सहायता करनी चाहिए जानवर की। हमें बच्चों जानवरों की केयर करनी चाहिए। आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे जानवर ऐसे ही होते हैं, जिस तरह हम हमारी माए गाय को, कुत्तों को, सबको खाना देती है, इस तरह हमें भी हर एनिमल और जानवर की हेल्प करनी चाहिए। नोट है, माता पिता बच्चों की कार्य करने में सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि यह कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। मतलब हमें ये जो कहानी बताई गई है उसे अपने शब्दों में बच्चों को कहने के लिए कहें कि किस तरह से आपने किसी जानवर की हेल्प की है। आज का कोविड मैसेज है कि जब भी हम बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। मास्क पहनेंगे तो कोरोना हारेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बाय बाय।